हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज की वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी धाम अपनी लाइफ में पहली बार। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी पूरी यात्रा वैष्णो देवी की, और साथ ही साथ देने वाला हूं इस यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो काफी इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। तो अभी मैं मौजूद हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर हमारी ट्रेन अभी आधे घंटे बाद आने वाली है, जिससे हम जाएंगे कटरा के लिए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कटरा के रेलवे स्टेशन पर, और टाइम हो चुका है इस समय 7:40। तो सुबह 9 बजे के आसपास हम इस ट्रेन में बैठे थे, और लगभग 11 घंटे में हमें यहां पर आने में लगा है। तो पहले हम अपने लिए कटरा में रूम बुक करेंगे, क्योंकि हम वैष्णो देवी की चढ़ाई कल करने वाले हैं। तो कटरा पहुंचकर हमने अपने लिए रूम बुक कर लिया है, जो है मात्र 700 रुपए में, जिसमें हम 4 लोग यहां पर रुकने वाले हैं। तो इस रूम में हमें एक डबल बेड दिया गया है, उसी के साथ साथ हमें गर्म पानी नहाने के लिए भी दिया जाएगा। तो कटरा में आपको 500 से लेकर 5000 तक के सभी रूम आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ सबसे सस्ते में रुकना चाहते हैं, तो वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा बनाए गए निहारिका भवन में आप अपने लिए डोरमेट्री बुक कर सकते हैं, जो है मात्र 110 रुपये में, जिसे आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट साइन बोर्ड पर जाकर आप इसे ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं, और अब हम रेडी हो चुके हैं पैदल यात्रा की शुरुआत करने के लिए। अभी मैं मौजूद हूं अपनी रूम की छत पर, और छत से कुछ इस तरीके का नज़ारा आप पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहां पर अर्धकुंवारी भवन का कुछ इस तरीके का नज़ारा है, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा ऊपर बर्फ़ के पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, लगता है ऊपर हमें बर्फ़ भी आज देखने को मिल जाएगी। तो अभी हमें RFID कार्ड लेना है। RFID कार्ड के लिए यहाँ पर कटरा में भी काफ़ी सारे काउंटर बनाए गए हैं। RFID कार्ड और यात्रा पर्ची दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यात्रा पर्ची को आप वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं अपने घर बैठे ही, लेकिन RFID कार्ड आपको कटरा में ही इन काउंटर द्वारा ही दिए जाएंगे। कुछ के नाम मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप अगर आते हैं तो वहाँ से अपने लिए RFID कार्ड ले सकते हैं। तो RFID काउंटर से अब हमने अपने लिए RFID कार्ड ले लिया है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है RFID कार्ड हमारा। तो RFID कार्ड के लिए बस स्टैंड के पास ही काउंटर बना गया है, जहाँ से हमें मात्र 3 मिनट में अपने लिए RFID कार्ड मिल गया है। और अभी हमें जाना है आगे बाणगंगा की तरफ। तो 8:30 का टाइम हो चुका है, RFID कार्ड लेने के बाद हम बाणगंगा की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमें 15 मिनट और बाणगंगा की तरफ लगने वाले हैं, जिसके बाद हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो पीछे अभी सूरज देवता ने हमें दर्शन दे दिए हैं, लगता है हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो काफ़ी ठंड के बीच हम यात्रा करने वाले हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले हैं माता वैष्णो देवी के, लेकिन सूरज ने अभी अपने दर्शन दे दिए हैं। काफ़ी अच्छा सा यहाँ पर मौसम हो गया है, तो इस मौसम का आनंद लेते हुए हम यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ, और एक बहुत ही लंबी लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बहुत ही लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, पता नहीं अभी कितना टाइम हमें आगे लगने वाला है। लेकिन साइड में यहाँ पर पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों के बीच हम माता के भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लंबी लाइन के बाद अब हम पहुँच गए हैं एंट्री गेट पर, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गेट बनाया गया है। तो अंदर जाकर अभी हमारा RFID कार्ड चेक किया जाएगा, जिसके बाद हमें माता की यात्रा करने दी जाएगी। तो इस एंट्री गेट से माता के भवन की दूरी लगभग 13 किलोमीटर रह जाती है, जिसे अधिकांश श्रद्धालु पैदल ही तय करते हैं। तो बाणगंगा चेक पोस्ट पार करने के बाद हम आ चुके हैं अंदर, और लगभग आधा घंटा हमें यहाँ पर इस लाइन में और चेक पोस्ट में लगा था। तो अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, भवन की तरफ रास्ता है यहाँ से। काफी भीड़ आज यहाँ पर देखने को मिल रही है, मकर संक्रांति का दिन है, तो काफी भीड़ यहाँ पर लोगों की आ जाई हुई है, और काफी टाइम हमें यहाँ पर चेक पोस्ट पर भी लगा था। और कुछ इस तरीके का नजारा यहाँ पर इस समय लोगों का है। चेक पोस्ट पार करने के बाद यहाँ पर दो रास्ते मिलते हैं इस तरीके से, एक नया रास्ता जो ताराकोट को होते हुए जाता है, एक पुराना रास्ता यहाँ पर। तो हम इस बार पुराने रास्ते जाने वाले हैं, क्योंकि हम पहली बार आए हैं, तो पहली बार पुराने रास्ते जाएंगे, अगली बार आएंगे तो नए रास्ते जाएंगे। और जो नया वाला रास्ता है वो लगभग 2 किलोमीटर ज्यादा है पुराने वाले रास्ते से, तो हम आज इस बार जाने वाले हैं पुराने रास्ते से ही। तो अब हम पहुंच गए हैं बाणगंगा टेम्पल। यहाँ पर माता का छोटा और बड़ा ही प्यारा सा मंदिर बनाया गया है, जिसमें माता अपने 3 रूप में विराजमान भी है। तो यात्रा से पहले यहाँ पर नहाने का काफ़ी महत्व है, तो नहाने के लिए मंदिर के जस्ट बराबर से ही रास्ता गया हुआ है बातिंग घाट के लिए। तो बातिंग घाट जाने के लिए अभी हमें थोड़ा नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। तो अब हम पहुंच गए हैं बाणगंगा, जो माता गंगा का ही एक रूप है। तो काफ़ी शुद्ध यहाँ का पानी है, माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने के बाद आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो नहाने के लिए यहाँ पर यात्रियों के लिए काफ़ी
नहाने के लिए जगह भी बनाई गई है जहाँ पर काफी श्रद्धालु नहा रहे हैं। यहाँ पर दो कहानियाँ काफी फेमस है। माना जाता है कि जब भैरव माता का पीछा कर रहे थे तो हनुमान जी उनकी सुरक्षा में उनके साथ थे। जब हनुमान जी को यहाँ पर आकर प्यास लगी थी तो माता ने बाण चलाकर यहाँ पर गंगा को प्रकट किया था, जिसके बाद हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। और दूसरी कहानी यहाँ पर यह मानी जाती है कि माता ने यहीं पर आकर अपने बाल धोए थे, जिसकी वजह से इसका नाम बाल गंगा पड़ गया था। काफी ठंडा यहाँ का जल है तो जल्दी से हम भी छींटे मारते हैं और अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। तो यात्रा के दौरान आप अपने लिए इस तरह घोड़े बुक कर सकते हैं जिनका किराया बाण गंगा से अर्धकुंवारी तक का 650 रुपये, बाण गंगा से सीधे भवन तक का 1250 रुपये, और यदि अर्धकुंवारी से भवन तक जाते हैं तो 600 रुपये आपका किराया लगता है। तो यहां पर आप अपने लिए इस तरह पालकी बुक कर सकते हैं जिनका किराया बाण गंगा से अर्धकुंवारी तक का 1700 रुपये, और बाण गंगा से सीधे भवन तक का किराया 4500 रुपये, और यदि अर्धकुंवारी से भवन तक जाते हैं तो 1400 रुपये आपका लगने वाला है। तो वैष्णो देवी की यात्रा आप हेलीकॉप्टर द्वारा भी कर सकते हैं जिसका किराया कटरा से सांझी छत तक का 1830 रुपये, और यदि आप वापसी भी हेलीकॉप्टर द्वारा ही करते हैं तो 3660 रुपये आपका लगता है। हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए आपको इसकी प्री बुकिंग करनी होती है, जिसकी बुकिंग आप साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। तो लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इच्छापूर्ण मंदिर। यहां पर एक बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया गया है, माता का सोने से चमकता मंदिर है जिसमें माता भगवती की पूजा की जाती है। तो यात्रा के दौरान इस मंदिर में एक बार जरूर माता भगवती के दर्शन करें। तो पूरी यात्रा के दौरान आपको खाने पीने के यहाँ पर कोई कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर हर तरीके का खाना आपको मिल जाएगा, महंगे से महंगा रेस्टोरेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो खाने पीने के यहाँ पर किसी तरह कोई कमी होने वाली नहीं है। साथ ही यहाँ पर मेडिकल की पूरी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, जगह जगह पर इस तरह की शॉप खुली हुई है मेडिकल की। पूरे रास्ते में यहाँ पर आपको प्रसाद की सभी तरह की दुकानें यहाँ पर मिल जाएंगी। माता के लिए आप पूरे रास्ते में कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं चरण पादुका मंदिर। माना जाता है कि जब भैरव माता का पीछा कर रहे थे तो माता ने पहली बार यहीं पर उन्हें पीछे मुड़ के देखा था, जिसके बाद उनके पैरों के निशान यहाँ पर छूट गए थे, और उसी के बाद से ही यहाँ पर माता के चरणों की पूजा की जाती है। तो सर्दियों के मौसम में भी बहुत बढ़िया यहाँ पर धूप निकली हुई है, बिल्कुल भी सर्दी यहाँ पर नहीं लग रही है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मौसम हो रखा है। पसीने आ रहे हैं यहाँ यात्रा के दौरान, कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी जर्सी तक उतार दिया, इतना गर्म यहाँ का मौसम अभी फिलहाल चल रहा है। जनवरी के में बहुत बढ़िया यात्रा के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया मौसम बना हुआ है अभी भी। तो अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी और टाइम हो चुका है लगभग 12:30 बज चुके हैं। तो लगभग 9:45 के आसपास हमने बाण गंगा चेक पोस्ट पार किया था, तो लगभग 3 घंटे में अब हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। इस समय मैं चल रहा हूं अर्धकुंवारी में। तो अर्धकुंवारी में घुसते ही साइन बोर्ड द्वारा संचालित भोजनालय देखने को मिल जाए, जिसमें आप बहुत ही कम चार्जेस में खाना खा सकते हैं यहाँ पर। ये भोजनालय की मेनू लिस्ट है, जिसमें आप यहाँ पर बहुत ही कम चार्जेस में खाना खा सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी टेम्पल, जिसे गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर गुफा के साथ साथ एक मंदिर बनाया गया है जिसमें माता के दर्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पर वो गुफा भी मौजूद है जिसमें माता 9 महीने रही थी, जिसमें माता ने 9 महीने तप किया था। तो उस गुफा के दर्शन भी यहाँ पर किए जाते हैं। गर्भजून गुफा मंदिर के जस्ट बराबर में ही मौजूद है, जिसके दर्शन के लिए आपको यहाँ पर एक पर्ची बनवानी होती है। तो गर्भजून के दर्शन के लिए आपको यहाँ पर एक पर्ची बनवानी पड़ेगी, जो कि पर्ची बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। आप इस गुफा के बैक साइड से ये पर्ची यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर ये पर्ची काउंटर बनाया गया है जहाँ से आप इस गुफा के लिए पर्ची ले सकते हैं, जिसके बाद आपको एक ग्रुप दिया जाता है। तो उस ग्रुप के हिसाब से ही आपको अंदर दर्शन करने दिए जाते हैं। यहाँ से ये गुफा का रास्ता है जहाँ पर अभी ग्रुप चला है 540, तो इसी हिसाब से आपको अंदर दर्शन करने दिए जाते हैं इस गुफा के। अर्धकुंवारी मंदिर के सामने आप अपने लिए रूम भी बुक कर सकते हैं। श्रद्धा भवन और भगवती भवन, दो यहाँ पर भवन बनाए गए हैं जिसमें आप मात्र 700 रुपये में अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर अपने लिए डोरमेट्री बुक कर सकते हैं, जो कि मात्र 120 रुपये में यहाँ पर बुक हो जाती है, जिन्हें आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपने लिए रूम या डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। तो हम निकल चुके हैं अर्धकुंवारी से, और लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पर नज़ारा मिल रहा है देखने के लिए। तो अभी हमें आगे चलना है और 3 किलोमीटर भवन के लिए। तो अभी हम बीच में रुके हुए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। इस समय हमारी टांगों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन माता के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और भवन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर हम इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेने के लिए यहां पर रुके हैं। इस तरफ ये भवन का रास्ता है जहां आगे हमें अभी जाना है, और नीचे यहां पर प्रसाद मिलता है। तो दर्शन करने के बाद यहां से एक बार प्रसाद जरूर लें। भवन के पास काफ़ी बर्फ़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गई है। माता के भवन के दर्शन भी अब हमें यहाँ से होने लगे हैं। थोड़ी सी दूरी और बची है माता के भवन तक पहुँचने में। तो फाइनली माता के भवन के पास हम पहुँच चुके हैं, और इस तरफ ये लाइन लगी है माता के भवन के दर्शन के लिए। काफ़ी लंबी लाइन है, पीछे से ही लाइन आ रही है और आगे भी काफ़ी लंबी ये लाइन लगी हुई है। तो अब हम इस लाइन में लगेंगे और माता के दर्शन करेंगे। उससे पहले अभी हमें अपना सारा सामान एक लॉकर में रखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर कोई भी सामान अलाउ नहीं है, ना ही बेल्ट घड़ी, सभी चीज़ यहाँ पर हमें अभी लॉकर में रखनी पड़ेगी। तो लॉकर लेने के लिए अभी हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, जहाँ पर लॉकर की एक लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, और ये माता के दर्शन के लिए एक लंबी लाइन यहाँ बराबर में चल रही है। लॉकर में सामान रखने के लिए यहाँ पर एक ताले की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए ताला कुंजी संग्रह कक्ष यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ से आप निःशुल्क ताला ले सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर अभी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। तो बेहतर यही है कि अगर आप अपने घर से कोई ताला लेकर आते हैं तो आप इस लंबी लाइन में लगने से बच सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से लॉकर बनाए गए हैं, जिसमें सामान रखने के बाद आप माता के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो यदि आप अपने घर से ही ताला लेकर आते हैं तो आपको जो कोई लॉकर खाली मिलता है उसमें सामान रखकर आप ताला लगा सकते हैं। तो ऐसे आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा, एक लंबी लाइन में लगने से आप यहां पर बच सकते हैं। भवन के पास ही साइन बोर्ड द्वारा संचालित प्रसाद की दुकान बनाई गई है, जहाँ से प्रसाद नारियल वाला 100 रुपये और बिना नारियल वाले 50 रुपये मिलता है। तो यदि आप नीचे से प्रसाद नहीं लाते हैं तो यहाँ पर आकर प्रसाद ले सकते हैं, और यही प्रसाद आप अगर यहाँ किसी और दुकान से लेते हैं तो लगभग दोनों रेट में यहाँ पर मिलता है। तो लगभग पूरे 6 घंटे के बाद हम माता के दर्शन करके वापस लौटे हैं,
एक लंबी लाइन में हमें लगना पड़ा था, काफ़ी भीड़ आज के दिन यहाँ पर आई हुई है। तो पूरे 6 घंटे हमें माता के दर्शन करने में लगे और अभी हमें आगे जाना है भैरव के दर्शन के लिए, क्योंकि उनके दर्शन किए बिना वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो अभी हमें आगे भी जाना है और रात के 10:30 बज चुके हैं, ठंड भी काफ़ी यहाँ पर पड़ चुकी है, लेकिन भैरव बाबा के दर्शन करने अभी हम आगे भी जाने वाले हैं और आज ही अपने भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे भी उतरने वाले हैं। भैरव बाबा के दर्शन के लिए आप रोपवे द्वारा भी जा सकते हैं, जिसका किराया 100 रुपये पर पर्सन लगता है, जो कि मात्र 5 मिनट में आपको भवन से भैरव बाबा तक पहुँचा देती है। और यदि आप इस दूरी को पैदल तय करते हैं तो लगभग 2 से 2.5 घंटा आपको भैरव तक पहुंचने में लग जाता है। साथ ही माता के भवन के पास आपको स्टे का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहां पर आप वैष्णो और गौरी भवन में मात्र 900 रुपये में अपने लिए डबल बेडरूम बुक कर सकते हैं और मनोकामना भवन में आप अपने लिए 120 रुपये में डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं, जिसे आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसे ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। तो 2 किलोमीटर लंबी चढ़ाई करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा। लगभग 1.5 घंटा हमें यहां पर पहुंचने में भी लगा है। यहां पर भी प्रसादी काफ़ी सारे दुकानें बनाई गई हैं, यहां पर भी साइन बोर्ड के द्वारा संचालित एक प्रसाद के लिए दुकान है, उसमें यहाँ पर भैरव बाबा के लिए प्रसादी मिलता है। 50 रुपये और 20 रुपये में यहाँ पर प्रसाद मिलता है। प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर इस लंबी लाइन भी लगी हुई है, अभी 300 तक काफी लंबी लाइन है प्रसाद के लिए। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब 12:30 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सीधे नीचे कटरा शहर में। और रात के समय में अभी सर्दी इतनी महसूस यहाँ पर नहीं हो रही, जबकि हम पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर मौजूद हैं। तो अभी नीचे हम रात में ही यहाँ से नीचे उतरने वाले हैं अभी। तो अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी टेम्पल और लगभग 2 बज चुके हैं इस समय। तो लगभग 1.5 घंटे में हम भैरव से अर्धकुंवारी तक आ गए हैं और लगभग 1.5 घंटा ही हमें अभी बाणगंगा तक पहुँचने में लग जाएगा। यात्रा के दौरान होने वाली थकान को दूर करने के लिए आपको जगह जगह पर इस तरह के मसाज सेंटर खुले मिल जाएंगे, जहां पर आप मात्र 50 रुपये में अपनी फुल बॉडी मसाज करा सकते हैं। तो यात्रा की थकान को मिटाने के लिए यहां पर एक बार इन्हें जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।